तो वही सवेरे के बज गए 4:05। तो डबीना कैसा लग रहा है बेटा अपने नाना के घर? तुम बहुत जल्द पहुंच जाओ। हो गई थी मेरी 12 घंटे लेट। तो भाई हम लोग तो पहुंच गए हैं न्यू जलपाईगुड़ी। देखो बारिश हो रही है, बढ़िया मौसम हो रहा है एकदम मस्त। तो भाई सवेरे के बज गए 4:05 और उठ चुकी है मेरी क्वीन, मेरे घर की बेटी डबीना। और देखिए बार बार लेट भी रही है वो। तो डबीना कैसा लग रहा है बेटा अपने नाना के घर? तुम बस बहुत जल्द पहुंच जाओगे। बस मेरे ख्याल में 10 मिनट और तू होगी अपने नाना के गोदी में। हाँ आ जाएगी, भारी थोड़ी। ओ भाई गॉड, इतनी लाइटनिंग हो रही है बाहर। नहीं हो गई थी मेरी 12 घंटे लेट। आ रहा हूँ डबीना मैं इसके अंदर वीडियो में। 12 आवर्स लेट हो गई थी। उसका रीज़न था भाई, वो बीच में प्रोटेस्ट चल रहा था। और प्रोटेस्ट ही बोला मैंने, तूने प्रोड नहीं सुना। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? माइक में सुनाई देगा अभी तो। उसकी वजह से गाड़ी 12 आवर्स का डिले चल रहा था। अब हम पहुँचने वाले हैं, नाना जी इसके आने वाले हैं और फटाफट से चल के डबीना को फ्रेंच फ्राइज खिलाते हैं फिर। तो भाई हम लोग तो पहुंच गए हैं न्यू जलपाईगुड़ी। देखो बारिश हो रही है, बढ़िया मौसम हो रहा है एकदम मस्त। क्या जबरदस्त मौसम है। नोआ को देखो। हे नोआ, बाजू के घर पहुंच गए। वाह, चलो फटाफट यार शेड के नीचे चलते हैं। ये देखिए भाई हम लोग पहुंच गए हैं, डबीना के नाना हमको लेने आ गए हैं। नानी, नोआ की नानी, नोआ। बारिश हो रहा है भाई, यहाँ जबरदस्त बारिश हो रहा है, जबरदस्त बारिश हो रहा है यहाँ पर। भयंकर किस्म का बारिश हमको यहाँ नजर आ रहा है। 2-3 किलोमीटर आगे निकल गए हम लोग। कैसे सोच रहे हम लोग, रास्ता पता नहीं चला, फिर GPS डाल के हम लोग वापस आए। ऐसा भी हो गया डैडी, आप तो यहीं के व्यक्ति हो फिर भी आप सालों से नहीं आए? सालों हो गए। मैं रास्ता याद था लेकिन इतना जोरदार बारिश, तो वाकई में काफी यहाँ भयंकर हुई लग रहा है। हमारी हम ट्रेन में थे तो काफी बिजली जो है कड़क रही थी उसकी। नहीं बारिश के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए आप थोड़ा सा GPS डालिए ना यार। तो कौन है ना वो जानो वाली। देखो मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में बारिश आए पानी से पूरा दिल्ली भर जाए, रास्ता कभी नहीं भूलूंगा मैं। देख लीजिए यार, आप लोग देख लीजिए दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। स्टेशन से चले थे तो वहाँ पे रात हो रही थी, अब हो गया दिन। हम पहुँच गए घर, डैडी जी कर रहे हैं गाड़ी को पार्क। तो दीदी आ चुकी हैं, आपको दिखेगा नहीं वैसे, मैं दिखा देता हूँ। इधर दीदी आ चुकी है गेट खोलने के लिए, तो फटाफट से घर के अंदर चलते हैं दोस्तों। डैडी शेड के नीचे लेके चलिए ना। कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, मैंने आपको जैसे बैक करना बताया था ना वैसे करिएगा। तो देखो शेड है, शेड के नीचे गाड़ी लग जाएगा और हम उस गाड़ी के अंदर से फिर उतर पाएंगे। बस बस मैं थोड़ा आगे कर रहा हूँ। ओके ओके सर, ओके। भाई ये देखो घर के अंदर, घर के अंदर चिड़िया आ गई। ये देखो कल रात से फंसी है यहाँ पे ना। आए ले क्या हो गया बेटा, चलो बाहर, दरवाजा खोल दिया, बाहर जा सकते हैं। बारिश से शायद यहाँ पर आ गई है। नहीं मैंने ना पंखा चला दिया, मैं फ्रंट बंद कर दिया थे। मर जाती है ऐसे तो, है ना? वो देखो देखो वो जाएगी, उसको दिख रहा ना बाहर है, देखो पर्दे के ऊपर चली गई है अभी वो। बीमार होगा, बच्चा होगा ना, ये बच्चा है ये शायद, चिड़िया का बच्चा है छोटा। देखिए दिल्ली में चिड़िया देखना बंद हो चुकी हैं अब, लेकिन यहाँ पर आज भी चिड़िया हमको नजर आ रही हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये हमारे लिए प्रबंध किया जा रहा है, इधर नहीं चला सकते उसकी जान का पता है। तो दोस्तों अब हम दिल्ली से यहाँ पर अपने घर बागडोगरा आ चुके हैं। नोआ अपनी बॉडी से जो है थोड़ा सा फेमिलियर होने की कोशिश कर रहा है। 12 घंटे की डिले थी हमारी ट्रेन,
वो भी किस लिए? अग्निपथ जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है उसकी वजह से। और ये डबीना देखो, बाजी के घर आके बहुत खुश हो रही है। हाँ, सवेरे शाम का ट्यूशन डबीना का चालू रहेगा दोस्तों। और मेरे पीछे से जैसे आपको देख लिया होगा, यहाँ पर डैडी जी आ चुके हैं। डैडी जी हाय। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। फाइनली हमारी जर्नी खत्म हो गई है। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। बहुत जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शायद नेपाल हो सकता है, दार्जिलिंग हो सकता है, कर्शन हो सकता है, सिक्किम हो सकता है, हु नोस। तो चलिए, टेक केयर गाइस, हैव अ ग्रेट डे।